ब्रिंग डाउन एसएसआर किलर्स, ये आज पांचवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूं। एसएसआरियंस द्वारा आज पांचवें नंबर पर एक ट्विटर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग ब्रिंग डाउन एसएसआर किलर्स, और अब इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं लोगों की। लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, हालांकि ये डिजिटल प्रोटेस्ट है और बड़ा कूल एंड कामली चल रहा है। फिलहाल जो मेन बात जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ वो ये है कि आज मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था जिसपे मैंने कई लोगों को देखा जो कि अपने आप को एसएसआर्स के फैंस मानते हैं, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुश्किलों के दौर से भी गुज़र रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि अपने ट्विटर हैंडल पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और रिसेंटली आप लोगों ने एक बहुत बड़ा इशू देखा है कि किस तरह से दिल्ली में एक लॉयर को मारा गया। सुशांत सिंह राजपूत केस से ही शुरू से वो इन्वॉल्व है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ये एक हमारी राय है। लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत केस में अननेसेसरी अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश ना करें, ये एक सलाह है, एक मशवरा है। वो इसलिए कि सबका एक तरीका है, आपको प्रोटोकॉल के तहत हर काम को करना चाहिए, अननेसेसरी अपने लिए मुश्किलें ना बढ़ाएं और वहीं दूसरों के लिए भी मुश्किलें ना बढ़ाएं, क्योंकि लोग प्रोत्साहित होकर कहीं कुछ गलत ना कर बैठें, ये मेरा मानना और कहना है। हालांकि फ़िलहाल जो मेन बात, जो मेन मुद्दा जिसके लिए मैं आया, जो कि फिफ्थ नंबर पर ट्रेंड कर रहा है ब्रिंग डाउन एसएसआर किलर्स, इसमें जो सबसे खास बात जो मैंने एक देखी, एक ट्वीट की, हालांकि मैं कुछ दिन से पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन मैं इस पर जिक्र नहीं कर पाया क्योंकि ये एक सीबीआई का मैटर है। हालांकि सब जानते हैं ये केस सीबीआई के पास है, और फॉर श्योर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई कुछ भी कर ले, सीबीआई को ही इसके अंदर फाइंड आउट करना है। सीबीआई ही जस्टिस दिला पाएगी और सीबीआई ही पता कर पाएगी कि एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन सबके पास हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या है वो सीबीआई से ही आएगी। तो आप लोग पेशेंटली वेट करिए जो भी एसएसआरियंस हैं, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि आप वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिए वरना ये डिलीट हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित ना करिए। इवन जो कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी मुश्किलें ना बढ़ाएं, क्योंकि ये केस सीबीआई के हाथ में है, तो सीबीआई का अपना एक प्रोटोकॉल है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। हालाँकि जो ट्रेंड कर रहा है, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ट्रेंड कर रहा है ब्रिंग डाउन एसएसआर किलर्स, एक ट्रेंडिंग है जो कि फिफ्थ नंबर पर चल रहा है। लेकिन जो इसमें सबसे खास बात, एक ट्वीट है जो कि वशिष्ठ केशरी द्वारा फॉरवर्ड किया गया है, और जिसमें उन्होंने ट्वीट लगाया है कोरियोग्राफर के हस्बैंड का। कोरियोग्राफर के हस्बैंड काफ़ी नोन राइटर, डायरेक्टर और अब प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन उनकी जो ट्वीट्स हैं 9 जून से लेकर 17 जून तक, ये एक सस्पिशियस क्रिएट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सुशांत सिंह से रिलेटेड है, लेकिन जो वर्ड्स और जो चीज़ों को उसमें पिरोया गया है, ये देखने और समझने की बात है। लेकिन हालांकि हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं है, हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकते। तो रिएक्ट जो करेगी वो एजेंसी ही करेगी, लेकिन इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है और क्या उनके हस्बैंड बताना चाह रहे हैं, ये वही बता सकते हैं, लेकिन ये देखने और समझने की बात है। लेकिन फिलहाल जो मेन बात, ब्रिंग डाउन एसएसआर किलर्स फिफ्थ नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, सब लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या हुआ है सुशांत सिंह राजपूत केस में। फिलहाल सब लोगों के लिए गुरुपुरब की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, सब अपना ध्यान रखें और प्रोटोकॉल के तहत हर चीज़ को करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर जो कर सकते हैं वो करें।
कि सीबीआई विल कम अप विथ जस्टिस।